हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय जिनेंद्र, जय श्री महाकाल। स्वागत है आप सभी का मेरे इस वीडियो में, जहां पर हम बातचीत करेंगे इक्विटी मार्केट की। कल की रणनीतियों के ऊपर बातचीत करने के पहले हमने आज क्या रणनीतियां बनाई थी, क्या निफ्टी बैंक निफ्टी के सपोर्ट रेजिस्टेंस लिए थे, क्या थे हमारे मैजिकल फिगर, क्या कौन से स्टॉक्स में बाय सेल करने कहा था, कौन से स्टॉक्स हमारी होल्डिंग पे पड़े हुए थे और कौन से स्टॉक्स हमारी होल्डिंग पे गए हैं और कल के लिए क्या मैजिकल फिगर नजर आ रहे हैं, उन सबका ओवरव्यू करेंगे एकदम आसान भाषा में और एकदम छोटे से वीडियो में। बात करूंगा निफ्टी की। अच्छा, जो लोग नए दर्शक हैं जो निफ्टी के बारे में नहीं जानते, बैंक निफ्टी के बारे में नहीं जानते, लेकिन मार्केट में आना चाहते हैं, तो गूगल में ऐसी बहुत सारी वीडियोस रखी हुई हैं, यूट्यूब में और गूगल में भी आप लोग सर्च करेंगे तो आप लोगों को बहुत सारे पीडीएफ्स मिल जाएंगे जिसमें लिखा हुआ रहता है निफ्टी क्या होती है, बैंक निफ्टी क्या होती है, स्टॉक्स कैसे होते हैं, स्टॉप लॉस क्या होता है, टारगेट क्या होते हैं, सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है। उन सबको पढ़ना चालू करिए और इस वीडियो को देखना चालू करिए। हो सकता है 1-3 महीने बाद आप लोग खुद ऐसा लगने लगे कि मार्केट को बहुत अच्छे से जानते हैं। बात करूंगा निफ्टी की। कल वीडियो वाइंड अप करने के पहले एक स्टेटमेंट दिमाग में रह गया। मुझे ये कहना था कि मार्केट में जो भी डाउनफॉल आता है अगर अब, तो वो सिर्फ करेक्शन होगा, ट्रेंड रिवर्सल नहीं होगा, चाहे वो मैजिकल फिगर के नीचे ट्रेड कराए। मैजिकल फिगर हमारे ऐसे फिगर होते हैं जिसके नीचे चलने पर बाजार होता है मंदा, जिसके ऊपर होता है तेज। लेकिन ये मार्केट बुल रन वाला मार्केट है, तो जब तक निफ्टी 11,000-11,500 के लेवल स्तर को नहीं तोड़ती है तब तक ट्रेंड रिवर्स नहीं होगा। ट्रेंड लॉन्ग टर्म में अप है, अप है, अप है। स्टॉक मार्केट में हम इस तरह की बातचीत कर सकते हैं क्योंकि आप लोगों के पास इक्विटी की डिलीवरी होती है और उसको आप चाहो जितना होल्ड कर सकते हो, ना कि कमोडिटी की तरह, ना ही करेंसी की तरह, ना ही इंडेक्स की तरह। तो इक्विटी जो भी होल्ड करके रखा हुआ है निचले लेवल की, वो लोग बाय को बिल्कुल भी पैनिक होके छोड़िएगा नहीं, चाहे किसी भी तरह की कोई भी बीमारी आए, कुछ भी हो। ट्रेंड रिवर्सल इतनी जल्दी पॉसिबल ऐसा मुझे लगता है नहीं है। देखिए, मैं कोई एलिगेशन नहीं लगाना चाहता या फिर मैं कोई आउट ऑफ द वे बात नहीं करना चाहता, लेकिन जितनी भी न्यूज आएंगी, ऐसा नहीं कह रहा कि कोई बीमारी नहीं है, बीमारी है, लेकिन उसके सॉल्यूशन भी मुझे ऐसा लगता है ऑलमोस्ट दे आर वेरी क्लोज टू द सॉल्यूशन। मार्केट हर चीज को डिस्काउंट करते हुए चलता है, अच्छी न्यूज को भी डिस्काउंट करते हुए चल रहा है, तो घबराने की कोई बातचीत नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, हमारे हिंदुस्तान में तो बहुत सारे 1760 त्यौहार होते हैं, 36 करोड़ देवी देवता होते हैं, लेकिन बाहर क्रिसमस होता है और न्यू ईयर होता है। हो सकता है इस बड़ी गेट टूगेदर को अवॉइड करने के लिए इस तरह की कोई बातचीत हफ्ता 15 दिन 20 दिन और चले। ज्यादा खुल के बातचीत नहीं करना चाहूंगा और ना ही कोई मैं संदेह करना चाहता हूं और ना ही मैं किसी पे एलिगेशन लगाना चाहता हूं। बस मैं इतना कहना चाहता हूं कि अगर 4 बात होगी तो वो 16 बात बना के बताई जाएगी, ताकि ये कहीं पर भी बड़ी गेट टुगेदर ना हो, क्योंकि जो छोटी बात है यानी जो छोटी बीमारी है वो बड़ा संक्रमण ना ले ले, इसलिए उन लोगों को भी मजबूरन ये करना पड़ेगा। बाकी तो मार्केट है, मार्केट जो कहता है, मार्केट जिस भाषा में बात करता है उस भाषा को आप लोगों के सामने पेश किया जाता है। बीमारी है उस पर कोई दो मत नहीं है, लेकिन कितनी बड़ी है वो किसी को नहीं पता और ना ही मैं उस पर राय रखना चाहूंगा। मैं बस इतना जानता हूं कि जो भी बीमारी है उसको बढ़ाने से रोकने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे, चाहे वो आप लोगों की साइकोलॉजी हैमर करना हो, चाहे वो आप लोगों को किसी भी साम दाम दंड भेद करके आप लोगों को बचाने की पूरी कोशिशें करेगी सरकार। बात करता हूँ, इतनी बात में आप लोग सब समझ गए होंगे मेरा क्या माइंडसेट है, क्या मैं एक्सप्रेस करना चाहता हूँ। बात करता हूँ निफ्टी की। निफ्टी के आज सपोर्ट लेवल ये थे 13,245, आज का लो पोस्ट हुआ है 13,222 का। इसके बाद इसका दूसरा सपोर्ट लिया था 13,165 का, आज का लो 13,222 का है, जो कि पहला सपोर्ट के क्लोज है। मैंने कल यह भी बात कही थी कि जो कल लो पोस्ट हुआ है 13,155 का, अगर उसके नीचे जाता है तो हो सकता है कोई मंदी डेवलप हो, नहीं तो ये पुल बैक करके वापस ऊपर खींच लेगा बाजार, और बाजार हूबहू वही हुआ। आज का पहला रेजिस्टेंस लिया था 13,440 का, पहला जो हाई क्रिएट किया था मार्केट ने ऊपर जाने के पहले, यानी नया लो बनाने के पहले 13,450 का था। तो जिस किसी ने भी उस रेजिस्टेंस देख को फर्स्ट हाफ में अगर सेल किया होगा, उसको बेहतरीन 200 पॉइंट की रैली नीचे नीचे के बाजू में लेने को मिली होगी या फिर फर्स्ट सपोर्ट तक मिली होगी।
नीचे फर्स्ट सपोर्ट किसी ने बाय किया होगा तो आज का हाई देख लीजिए 13508 का हाई पोस्ट हुआ है, यानी कि उसको फर्स्ट रेजिस्टेंस तक आराम से उसको रैली को एंजॉय करने का मौका मिला होगा। दूसरा रेजिस्टेंस है तो 13525 का, आज का हाई पोस्ट हुआ है 13508 का, आज का मैजिकल फिगर था 13440 का। अब बात करता हूं कल के लिए क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस निकल के आ रहे हैं, 13360 का पहला सपोर्ट, 13270 का दूसरा सपोर्ट, रेजिस्टेंस 13550 13650, मैजिकल फिगर 13420 का आंकड़ा 13440 से 13420 हो चुका है। तो ये थी हमारी निफ्टी की बातचीत। अब मैं बात करूंगा बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी का पहला सपोर्ट लिया था 29130, आज इसका लो पोस्ट हुआ है 29000 का, रेजिस्टेंस लेवल लिए थे 29580 29720, आज इसका हाई पोस्ट हुआ है 29760 का, मैजिकल फिगर था 30100 का। यहां पर एक वापस से पुरानी कहानी आप लोगों को, पुरानी स्ट्रैटेजी या फिर पुरानी बाकी हुई बात आप लोगों के सामने वापस दोहराना चाहूंगा। बैंक निफ्टी का मैजिकल फिगर में भारी बदलाव है, सपोर्ट 29550 29380, रेजिस्टेंस 29920 और 30440, मैजिकल फिगर जो आज के लिए था वो 30100 का था, कल के लिए वो मैजिकल फिगर 30050 हो चुका है। यहां पर एक चीज आप लोगों को देखना चाहिए, निफ्टी का मैजिकल फिगर 13420 जो कि है नीचे के बाजू में, बैंक निफ्टी का मैजिकल फिगर 30050 जो कि है बहुत ऊपर के बाजू में, यानी यहां से 300-400 पॉइंट बढ़ेगा तब वो मैजिकल फिगर को क्रॉस करेगा, जब निफ्टी यहां से 70 पॉइंट टूटेगी तब वो मैजिकल फिगर को नीचे के साइड में ब्रेकआउट करेगी। मैजिकल फिगर निफ्टी का नीचे के बाजू में, बैंक निफ्टी का ऊपर के बाजू में, यहां पर वोलेटिलिटी दोनों साइड को देखने को मिलेगी, कोई वन वे रैली देखने को नजर नहीं आएगी ऐसा लगता है। इस पैटर्न को मैंने आप लोगों के सामने पहले भी रखा था, जब निफ्टी करीब 12,000-12,500 के आसपास चल रही थी और बैंक निफ्टी कुछ 24,000 के आसपास चल रही थी, तब बैंक निफ्टी का मैजिकल फिगर नीचे होता था, निफ्टी का मैजिकल फिगर ऊपर होता था, कहानी थोड़ी चेंज होती नजर आ रही है। इस स्ट्रेटेजी को आप इस तरह की अगर कोई सिचुएशन बने तो दोनों बाजू में मूवमेंट आती है, ना बाजार ऊपर जाता है ना बाजार नीचे जाता है, फिर बाद में एक 2-4-8 दिन के बाद ये मार्केट एक वन वे पकड़ता है। तो बने रहिए मेरे साथ, मैं आप लोगों को बताऊंगा वो वन वे वाली चांसेस कब बन के आ रहे हैं। क्लियर है मैजिकल फिगर 30050 का बैंक निफ्टी का, 13420 का निफ्टी का, निफ्टी का मैजिकल फिगर नीचे है, बैंक निफ्टी का मैजिकल फिगर ऊपर है, कोई बड़ा भारी नीचे के बाजू में ना कि ऊपर के बाजू में कोई मूवमेंट नजर आ रही है। बात करता हूँ स्टॉक स्पेसिफिक में क्या रणनीतियां बनाई थी। आज हमारे पास कोटक बैंक होल्ड था कल का, 1306 के आसपास की क्लोजिंग थी, 1906 रुपए के आसपास की क्लोजिंग थी, 1903.90 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना था, वो एक स्टॉप लॉस हो गया आज हमारा खुलते मार्केट में। तो आप लोगों को वहां पर कोटक बैंक में 1937 का बाय था, वहां पर आप लोगों को 1.5% 2% के आसपास का नुकसान हुआ होगा। दूसरा एक ही स्टॉक होल्ड पर था, आज के लिए जो रणनीतियां बनाई थी, आज RIL को बाय करना था 1910 के आसपास, 1859 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करना था, 2050 तक के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे थे, 1958.90 का इसने हाई पोस्ट किया है, 1888.45 का इसने लो पोस्ट किया है, 1936.70 के आसपास की क्लोजिंग आई है। यहां पर आप लोगों को 1.5% के आसपास M2M प्रॉफिट चल रहा होगा, ये हमारा एक होल्ड पे गया है। दूसरा स्टॉक लिया था ICICI बैंक, ICICI बैंक ने 1 रुपए की वजह से धोखा दे दिया, 488 के आसपास बाय करना था, 489.10 का इसने लो पोस्ट किया है, टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे थे 501 रुपए, आज का हाई पोस्ट हुआ है 501.80 रुपए। जिस किसी ने भी स्टॉक्स के आधार पर कॉल ऑप्शन में रणनीतियां बनाई थी उन लोगों का आज यहां पर मुनाफा हुआ होगा। तीसरा स्टॉक लिया था मारुति, मारुति को 72.90 के आसपास बाय करना था, 71.49.90 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना था, 75.75 के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे थे, आज इसका हाई पोस्ट हुआ है 7438, लो पोस्ट हुआ है 7205, क्लोज हुआ है 7395, ऑलमोस्ट कॉस्ट से लिए हुए भाव से 100 रुपए के आसपास ऊपर चल रहा है बाजार, यहां पर भी आपको 1.25% के आसपास M2M प्रॉफिट चल रहा होगा। तीसरा स्टॉक लिया था टाइटन, चौथा टाइटन को बाय करना था 1430 के आसपास, आज इसका लो पोस्ट हुआ है 1451, टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे थे 1486, आज तो क्लोज ये 1498.80 रुपए के आसपास हुआ है, मजा आ गया होगा जिस किसी ने इसमें कॉल ऑप्शन में इसकी स्ट्रेटजी बना के कामकाज किया होगा, इंट्राडे में ही अच्छा खासा मुनाफा हुआ होगा, 3-4% के आसपास स्टॉक बढ़ा है लोअर लेवल से। चलिए बात करता हूँ कल के लिए कौन से स्टॉक्स नजर आ रहे हैं। अच्छा ओवरव्यू में आप लोगों को बता दूं, जब तक 13150 को निफ्टी नीचे के बाजू में नहीं तोड़ती है और निफ्टी 13670 को ऊपर के बाजू में नहीं तोड़ती है
तब तक कोई भी बाजू में बड़ी मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगी। हो सकता है 13,150 और 13,650 के बीच में ही बाजार देखने को मिले। बैंक निफ्टी 30,700 का ब्रेकआउट होगा, 30,700 का ब्रेकआउट देगा तो हो सकता है कोई फ्रेश अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिले। तब तक इसमें भी कोई बड़ी भारी संभावना नहीं नजर आ रही है। कल के लिए स्टॉक होंगे अल्ट्राटेक सेमको, अल्ट्राटेक को बाय करेंगे 4963 4978 के आसपास, 4924 का एक छोटा सा स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे, 5105 के टारगेट एक्सपेक्ट करेंगे। विप्रो दूसरा स्टॉक होगा हमारा, विप्रो 358.40 359.50 के आसपास बाय करेंगे, 356.40 का स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे, 368 तक के टारगेट एक्सपेक्ट करेंगे। चौथा स्टॉक होगा हमारा एलएनटी, एलएनटी को बाय करेंगे 1255 1259 के आसपास, 1219.90 का स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे, 1313 तक के टारगेट एक्सपेक्ट करेंगे। चौथा स्टॉक होगा हमारा इन्फोसिस, इन्फोसिस को 1196 1200 के आसपास बाय करेंगे, 1172 का स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे, 1275 तक के टारगेट एक्सपेक्ट करेंगे। ये होंगे हमारे कल के लिए चार स्टॉक्स, दो स्टॉक्स हमारे पास ऑलरेडी होल्डिंग पे रखे हुए हैं। देखते हैं किस तरह का बाजार चलता है, कहां पर प्रॉफिट बुक करना होगा, क्योंकि हम आइडियली अपने अपने स्ट्रेटजी के हिसाब से, अपने एलोकेशन के हिसाब से चार स्टॉक्स से ज्यादा होल्ड नहीं कर सकते, क्योंकि हमने अपनी कैपिटल को चार भागों में बांटा हुआ है, एक भाग एक स्टॉक में इन्वेस्ट किया जाता है। तो ये थी हमारी आसान भाषा में बाजार की पूरी रणनीति। इन्हीं फिगर्स को निकालने के लिए आप लोग टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, बहुत सारे अलग अलग स्क्रीन रीडिंग करते हैं, साइकोलॉजिकल रीडिंग करते हैं, बहुत सारे अलग अलग डेटा एनालिसिस करते हैं, उसके बाद ये सार आप लोगों को मिलता है। जो कि बाजार अभी बंद हुआ है 3:30 बजे, अभी बज रहा है 4:09, तारीख है 22/12/2020। आधे घंटे के अंदर आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर देता हूं कल के लिए पूरी की पूरी रणनीति। आशा करता हूं आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज अपने फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स, आस पड़ोस वाले सबके साथ शेयर करिए, ताकि वो भी मेरे द्वारा बताई हुई रणनीतियों को एग्जीक्यूट करके बना सके मुनाफा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी सारी सोशल मीडिया की लिंक होती है, आप चाहें तो हमसे सब जगह जुड़ सकते हैं। स्पेशली पब्लिक टेलीग्राम चैनल पे जरूर जुड़ जाइएगा, क्योंकि वही आपके और मेरे बीच में ब्रिज का काम करता है। जो भी बातचीत मैं वीडियो में करता हूँ उससे रिलेटेड कोई भी अपडेट्स निकल के आती हैं तो मैं वहां पर जरूर अपडेट करता हूँ। करना सिर्फ इतना है, जिस तरह से व्हाट्सएप फेसबुक डाउनलोड किया है उसी तरह से टेलीग्राम डाउनलोड करना है, अपने नंबर को रजिस्टर्ड करना है और ढूंढना है इंटेलिसिस, कोष्टक में लिखा हुआ है जख्मी ट्रेडर्स का अस्पताल, और जुड़ जाना है, फ्री है, कोई पैसे नहीं लगते वहां पर। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही कुछ अकाउंट ओपनिंग की लिंक होती है, आप चाहें तो उन्हें क्लिक करके अपने अकाउंट ओपन कर सकते हैं और पा सकते हैं बहुत सारे एक्सक्लूसिव बेनिफिट्स, और उसके लिए आप लोगों को संपर्क करना होगा कस्टमर केयर में, इंटेलिसिस के कस्टमर केयर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत।